गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा निर्णय की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका। जो हम निर्णय करते हैं उसमें हम आकलन की, यानी कि जो हम आकलन करते हैं बच्चों का, उसमें उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये जो टॉपिक है ये हम देखें तो एक शिक्षण शास्त्रियों ने, जो हमारे कहते हैं ना शिक्षाविद हैं, उन्होंने इस टॉपिक को बनाया है कि हम कई बार ये होता है कि आकलन और निर्णय को हम समान समझ लेते हैं, लेकिन हमारी एक चीज का ध्यान रखना है कि आकलन होता है जो हम क्रिया सीखने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, आकलन यानी कि सीखने की प्रक्रिया, और निर्णय यानी जो एक समय पर लिया जाता है, यानी आकलन जो हमने सीखा है उसके आधार पर एक निर्धारित समय पर लिया गया हमारा फैसला, ये हमारा निर्णय कहलाता है। तो जब शिक्षण शास्त्रियों ने भी ये माना है कि जो हम ज्ञान लेते हैं या हम ज्ञान देते हैं उसमें इस आकलन का और निर्णय का दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। यानी हम देखें कि शिक्षक, या तो हम शिक्षक का आकलन करते हैं या विद्यार्थी का आकलन करते हैं, और हम आकलन करते हैं अगर शिक्षक का आकलन करने के लिए हम कहें ज्ञान में कि किस तरीके का शिक्षक का ज्ञान है, यानी कि जो अपना विषय पढ़ाने जा रहे हैं, हम ये कहें कि ज्ञान देने वाले का अगर हमें ज्ञान जानने की कोशिश करें कि उनके अंदर किस तरीके का ज्ञान था सीखा हुआ, उनका आकलन हम करते हैं और उसके बाद में हम उसका फैसला लेते हैं कि जो हमें पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारे पढ़ाने वाले, हमारे शिक्षक हमारे लिए, हमारे उस विषय से संबंधित हमें ज्ञान देने के लिए सही है या नहीं। तो आकलन के लिए हम कहेंगे कि आकलन जो हम सीखते हैं, यानी कि सीखने की प्रक्रिया हो गई, और हमारा जो निर्णय है वो है कि सीखने की प्रक्रिया से हमने अंतिम चरण पर क्या पाया, यानी कि जो हम सीख रहे हैं, जो उद्देश्य हम, जो हम लेकर चल रहे हैं उद्देश्य, क्या हमने उसकी पूर्ति की है या नहीं, उसके बारे में हम एक निर्धारित समय में अंतिम चरण पर हम उसका फैसला लेते हैं। तो जो शिक्षण शास्त्री हुए हमारे, जो शिक्षाविद हुए, उन्होंने इस आधार पर आकलन के कुछ पॉइंट दिए हैं कि हम किस तरीके से हम आकलन करते हैं। अगर हम आकलन में समावेश करें तो हम किन किन बिंदुओं का उसमें समावेश करते हैं, इसमें हमें चार भागों में हमने इसका विभाजन किया है कि इन चार बिंदुओं के आधार पर हम आकलन करते हैं। जैसे प्रथम है हमारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में हम जो आकलन करते हैं, इस चीज का हम आकलन करते हैं और इसका हम निर्णय लेते हैं। फिर है हमारा विषय वस्तु के ज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान। फिर है शिक्षण अधिगम विश्लेषण, और फोर्थ है हमारा अध्यापन वृत्ति का ज्ञान, यानी कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे अध्यापक के व्रतात्मक, यानी कि वो किस तरीके का हमें पढ़ा रहे हैं, ये हमारा ये चार पॉइंट है कि ये चारों पॉइंट हमारे निर्णय की प्रक्रिया में ये आकलन के रूप में हमारी भूमिका निभाते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम उनका आकलन करते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं। तो बच्चों के अंदर भी और शिक्षक के अंदर भी इन बिंदुओं के आधार पर हम आकलन करते हैं। अब आकलन का अर्थ हमने समझा कि आकलन होता है सीखना, सीखने की प्रक्रिया, और निर्णय है जो सीखा है वो हमने कहाँ तक लिया, उसके लिए हमारे क्या फैसले हैं, वो अंतिम जो हम एक समय पर लेते हैं, ये हमारा निर्णय है। अब हम प्रथम है हमारा इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के संबंध में हम क्या निर्णय लेते हैं जब हम उसका आकलन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करते हैं, हमारे सामने हमारा जो विषय वस्तु होते हैं हमारा, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमारा जो आकलन का सहारा है वो है हमारे शिक्षक का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जिस तरीके का शिक्षक हमारे सामने प्रेजेंटेशन करते हैं, हम उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। इसमें हम देखते हैं
कि शिक्षण शास्त्र जब प्रस्तुतिकरण करते हैं, शिक्षक हमारे सामने जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण में हमारे निर्णय हम लेने बैठे तो हम ये देखने बैठ जाते हैं कि शिक्षक का कितना ज्ञान है उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उनका जो अधिगम विश्लेषण है वो किस तरीके का है, शिक्षक किस तरीके से इसका वृत्त सुनाते हैं यानी कि विस्तार से हमें समझाते हैं, किस तरीके का उनका समझाने का तरीका है, किस तरीके के ज्ञान को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया है, उनका जो वृत्त था उनका ज्ञान समझाने का कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रस्तुतिकरण में उस विषय से संबंधित ज्ञान को जोड़ा है और फिर हमें समझाया है। हम देखते हैं कि जो हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का जो प्रस्तुतिकरण करने का तरीका होता है या हम जब प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा एक महत्वपूर्ण होता है, कहते प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण करते समय अगर हमारा आत्मविश्वास कम होगा, आत्मविश्वास की कमी होने का कारण होता है हमारे विषय का हमें ज्ञान नहीं होना। अगर हम जब विषय का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हमारे प्रस्तुतिकरण में कमी होगी। तो इसमें कहते हैं कि शिक्षक जब अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं या अपने विषय का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उन्हें जब उनका आकलन किया जाता है तो उस प्रस्तुतिकरण में उनके जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखने के बाद, उनका आकलन करने के बाद में उसके बारे में निर्णय लिया जाता है कि शिक्षक का प्रस्तुतिकरण कैसा रहा। हम ये कहें कि इन सभी को निर्णय की प्रक्रिया में जो हम आकलन करते बैठते हैं कि किस तरीके का उन्होंने इसमें जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो किस तरीके का था, यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण में ये देखते हैं कि शिक्षक ने जो प्रस्तुत किया है हमें, क्या वो शिक्षक अगर प्रस्तुतिकरण का देखें हम तो प्रस्तुतिकरण किस आधार पर करेंगे, वो बच्चों की चिंतन शैली के आधार पर, स्मृति स्तर, तो ये सब है क्या उनकी मानसिक योग्यता। अगर हम कहें कि प्रस्तुत करने से पूर्व वो पहले उनके स्मृति स्तर के बारे में जानेंगे, उनकी चिंतन शैली के बारे में जानेंगे। हमने देखा है, ये चीज हम जानते भी हैं कि जो हमारे शिक्षण की प्रक्रिया है वो हमारी पूर्व नियोजित होती है, और अगर हमारी पूर्व नियोजित शिक्षक अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो वो अपनी प्रक्रिया को पूर्व नियोजित कर हमारे सामने आते हैं। तो प्रस्तुत जब शिक्षक करने जा रहे हैं तो प्रस्तुत करने से पहले वो शिक्षक छात्र की स्मृति स्तर को जानने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानते हैं, उसी से वो उनकी चिंतन शैली, उनके स्मृति स्तर, उनके बोध स्तर और उनके जो विषय वस्तु होता है उसके बारे में वो निर्णय लेते हैं। इसी के आधार पर वो अपने प्रेजेंटेशन का एक फैसला लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि अगर वो प्रस्तुतिकरण में हम देखें कि प्रस्तुतिकरण में हम किन चीजों का आकलन करते हैं तो प्रस्तुत करने का जो हमारा आकलन है उसमें उनका जब हम आकलन करने बैठेंगे तो ये आकलन करने का हमारा है कि छात्र के पूर्व जो उनका पूर्व स्मृति है, उनकी चिंतन है, उनकी चिंतन शैली है, उनका बोध स्तर है, इसके आधार पर हम आकलन करेंगे और हम निर्णय लेंगे कि शिक्षक के प्रति जब हम प्रस्तुतिकरण में हम निर्णय लेते हैं आकलन के द्वारा तो इन तीन चीजों का हम इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम बच्चों की बोध स्तर, स्मृति स्तर, उनकी चिंतन शैली, इन सब का हम समावेश करते हैं और इसके आधार पर इस योग्यता के जो छात्र हैं उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं, इन सबको हम निर्धारित करते हुए हमारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। और जब ये जो हमारा पूर्व नियोजित पाठ विषय वस्तु का हम ज्ञान दे रहे हैं इसके बारे में शिक्षक के प्रति निर्णय लेने में आसानी होती है कि किस तरीके का शिक्षक ने पढ़ाए। जब उनका आकलन उस विषय संबंधित, क्योंकि जब हम पूर्व से नियोजित कर लेते हैं और पूर्व ज्ञान से शिक्षक बच्चों से जो प्रीवियस नॉलेज जानते हैं वो इसीलिए जानते हैं, इससे उन्हें ये पता चलता है कि जो बच्चों को पढ़ाने शिक्षक जा रहे हैं वो उन्हें कितना कैच कर सकते हैं, यानी कि उनकी रुचि और उनकी आवश्यकताओं को अगर हमें जानना है
तब भी हम उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानेंगे। उसी के आधार पर शिक्षक अपना जो ज्ञान है वो आगे बढ़ाते हैं और अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो इसीलिए विषय वस्तु का जो हम आकलन करते हैं तो इन विविध संदर्भों में जो सबसे बड़ा हमारा उपयुक्त है, उपयुक्त जो हमारा आकलन है वो है हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी शिक्षकों के द्वारा छात्रों के समक्ष किया गया प्रस्तुतिकरण की किस तरीके का वो प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर है सेकंड हमारा विषय वस्तु का ज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन का है, क्योंकि जब वो प्रस्तुतिकरण करते हैं उससे पहले यहाँ वो छात्रों के बोध स्तर को जानते हैं। बोध स्तर को जानने के बाद में यहाँ शिक्षक क्या करते हैं, हमारे विषय का ज्ञान देते हैं। और हम जानते हैं कि यह विषय का जब हम ज्ञान देते हैं आकलन के माध्यम से, हम इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण शास्त्री जो विषय वस्तु का विषय वस्तु की स्थिति जो हमारी होती है, अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं तो इस समीक्षा के अंतर्गत हमारा क्या क्या होता है, शिक्षक के लिए हम जो निर्णय लेते हैं शिक्षण शास्त्रियों के आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ हम क्या चुनते हैं, विषय का ज्ञान। तो विषय का अगर ज्ञान होगा तो यहाँ हम उनकी शिक्षण विधि और हमारी भाषा शैली, यानी कि हमें क्या क्या काम में हम लेते हैं, जैसे हम शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र, जिसके बिना कहते शिक्षक का अध्ययन, जो शिक्षक अध्यापन करवाते हैं वो अधूरा होता है। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षक का आकलन करते हैं। इन महत्वपूर्ण इन विधियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक जिस तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, शिक्षक का विषय ज्ञान बहुत अच्छा है। अगर शिक्षक के विषय के ज्ञान के बारे में हमें निर्णय लेना है तो ये सबसे शिक्षा शास्त्री अगर उनका आकलन करने बैठेंगे विषय का ज्ञान शिक्षक के बारे में, तो वो सबसे पहले आकलन करने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में देंगे कि शिक्षक जो टॉपिक लेके आया है, जो विषय का ज्ञान लेके आया है, क्या पूरी तरह से उनके लिए जो विधियां प्रयुक्त की जा रही है वो सही है, जो टेक्निक काम में ले रहे हैं वो सही है, और जिस शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या वो शिक्षक सूत्र सही है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम शिक्षक का आकलन करते हैं उस विषय वस्तु के संबंध में, और आकलन करने के बाद में हम क्या लेते हैं, उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हम इसमें शिक्षण साधनों का जो हम उपकरण काम में लेते हैं, टेक्निक के साथ साथ हम साधनों का भी इसमें प्रयोग करते हैं कि कौन कौन से हम साधन उपकरण इसमें काम में लेते हैं। तो हम ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं शिक्षा शास्त्री कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं क्या इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर पढ़ा रहे हैं या नहीं, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में हमारा टॉपिक है शिक्षण प्रक्रिया में आकलन की भूमिका। तो हम जब आकलन करते हैं तो आकलन में मैंने कहा कि आकलन एक हमारी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, तो हम ये देखते हैं कि शिक्षक किस तरीके से सिखा रहे हैं और बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। तो हम जब उनका आकलन करेंगे तो उनका आकलन करने के लिए हमें इन विधियों का प्रयोग करना रहता है कि शिक्षक जिस विषय का ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए सही विधि का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। इसी आधार पर हम उनका आकलन करके और हम उनका निर्णय लेते हैं। फिर है हमारा शिक्षण अधिगम विश्लेषण। इसके अंदर क्या करते हैं, हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम प्रत्येक पक्ष का आकलन करते हैं। इसमें विश्लेषण जब करेंगे तो हम उन्हें टुकड़ों में विभाजित करेंगे, और जब हम उन्हें विभिन्न भागों में हम उनका विभाजन करेंगे तो उस विभाजन में हमारे लिए प्रत्येक पक्ष उसके अलग होते चले जाएंगे और हम शिक्षक के प्रत्येक पक्ष का हम आकलन करेंगे। अब इसमें हमारे पास नकारात्मक पक्ष भी आएंगे और हमारे पास उनके सकारात्मक पक्ष भी आएंगे। हम क्या करते हैं कि नकारात्मक पक्ष का जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें हम उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन
परिवर्तन करेंगे। अगर हम निर्णय लेते हैं, आकलन में तो हमने देख लिया, उसका विश्लेषण कर दिया, लेकिन निर्णय अगर हम करेंगे तो निर्णय लेते समय उन आकलन के आधार पर जो नकारात्मक पक्ष हमें दिखाई दिए, उन नकारात्मक पक्ष में हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमें आगे हमने क्योंकि हमारे सामने उसके लिए निर्णय नकारात्मक रूप में आता है, और नकारात्मक जब निर्णय आएगा तो उसे सकारात्मकता प्रदान करने के लिए हम उसमें परिवर्तन चाहेंगे, और इसमें हम विभिन्न परिवर्तन करके सकारात्मक प्रभाव का दृष्टिगोचर करेंगे। यानी कि इसमें हमें जो नेगेटिविटी थी उसे दूर हटाकर और पॉजिटिविटी लानी है, जिससे कि हमारा जो शिक्षक का जो कार्य है वो भी इसमें प्रभावित हो। तो इसे कहते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्थायी प्रदान करने के लिए हमें ये व्यवस्था करनी होती है। कौन सी? विश्लेषण करने की, और विश्लेषण के साथ हमें आकलन करने की। अगर हमें किसी कार्य को स्थायी बनाना है तो उसका आकलन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बाद में हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय के लिए कहते हैं कि यह स्थायी होता है। तो वो स्थायित्वता जब ही आती है जब हम उसका आकलन करें। फिर है हमारा अध्यापन वृत्ति का ज्ञान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अध्यापक अपने वृत्तात्मक ज्ञान की भूमिका निभाते हैं, या वृत्तात्मक ज्ञान को इसमें सम्मिलित करते हैं। अध्यापक अपनी वृत्ति एवं उससे संबंधित विभिन्न पक्षों का आकलन करते हैं, शिक्षक के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया जाता है। इसमें अभिवृत्तात्मक जो अपनी चीजें सुना रहे हैं वो उसमें शिक्षक स्वयं करते हैं इसके अंदर, कि उन जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो इसमें जो भूमिका के संदर्भ में हम निर्णय करते हैं, इसमें अध्यापक स्वयं देखते हैं कि उसमें एक सुविधादाता, इसमें पर्यवेक्षक, सहयोगी, इसकी भूमिका उन्होंने निभाई या नहीं। अगर यहाँ हम अध्यापन वृत्ति का ज्ञान में आकलन करने की जो हमारी भूमिका है निर्णय के लिए, इसमें शिक्षक के लिए हम ये देखते हैं कि शिक्षक ने जो शिक्षक स्वयं अपने अंदर ये देखता है कि शिक्षक ने सुविधादाता के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में सहयोगी के रूप में इन रूपों में उन्होंने बच्चों के लिए, कहते हैं हमारे शिक्षक की इनकी भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया है या नहीं। अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने इन सभी बिंदुओं का उसमें समावेश किया है या नहीं। इस क्षमता का अगर हमारे अंदर अभाव दिखाई देता है तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी उन क्षमताओं का विकास विकसित नहीं हो पाई, जिनके बारे में एक विद्यार्थी को जिनकी आवश्यकता होती है। और हम आकलन जो करते हैं इसमें वृत्तात्मक में, हम इसी आधार पर उनका आकलन करते हैं कि शिक्षक एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की अगर भूमिका है तो उसके अंदर हमें ये चीज आती भी है। आपने बच्चों कई बार हमारे एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। तो ये वही चीज है जहाँ शिक्षक अध्यापन वृत्ति का ज्ञान, कहते हैं ना कि उसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं कई बार कि शिक्षक एक मित्र के रूप में होना चाहिए, शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, ये हमारे शिक्षक एक पर्यवेक्षक के रूप में होना चाहिए। ये हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके के, हम शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है, तो हम देख सकते हैं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आकलन में हमारे निर्णय की, जो हम शिक्षक के लिए जो निर्णय लेते हैं उसमें हमारे लिए शिक्षक कैसे होने चाहिए। मैंने बताया कि शिक्षक हमारे सुविधा प्रदान करने, यानी कि शिक्षक ये भी देखें कि हमारी सुविधा कहाँ तक है, कि बच्चों को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सुविधा मिल रही है या नहीं। शिक्षक को एक पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभानी होती है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए एक पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाना, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक पर्यवेक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। एक सहयोगी के रूप में, यानी कि जिसमें हम कहते हैं ना एक मित्रता की भावना भी आती है और सहयोग करने की भी भावना आती है। तो इन आधार पर
हम क्या करते हैं, शिक्षक का आकलन करते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। इन्हीं आकलनों के प्रांगिक ये कहे जाते हैं हमारे एक तरीके से संज्ञानात्मक सोपान, यानी कि हमारी जो आकलन के प्रति हम शिक्षक का आकलन करते हैं और उसके लिए जो निर्णय लेते हैं संज्ञानात्मक, यानी जो हम मानसिक योग्यता हमारी कहती है वो क्या कहती है, ये हमारे चार मुख्य बिंदु हैं। इसी के आधार पर हम शिक्षक की जो भूमिका होती है, या हम कहें कि हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, इसी के आधार पर ही हम कहेंगे एक अच्छे शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कैसे होने चाहिए। हम इन्हीं आधार पर, इन चार बिंदु के आधार पर हम बता सकते हैं कि शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो ये आज का जो हमारा निर्णय की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका थी, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद।